Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel अश्विनी आनंद गोखले. और जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया कि अभी योगा तो मैं पूरा बंद कर देने वाली हूँ, यानी सूर्य नमस्कार और जो कुछ आसन्स डिफ़िकल्ट आसन्स है तो वो मैं करने वाली नहीं हूँ. लेकिन मैं प्राणायाम कर सकती हूँ. प्राणायाम यानी उसमें इनहेल एक्सहेल के ऊपर ही सब एक्सरसाइज रहते हैं, जिसके यानी ये सेल्फ मेडिटेशन के जैसे ही है. अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज है. और वो मेरी योगा टीचर ने मुझे थोड़ा, मैं जो करती थी उसमें थोड़ा सा उसने मुझे करेक्शन किया है. तो मैं पहले ना ओंकार जो करती थी वो बहुत लाउडली करती थी, या फिर इनहेल करती थी तो ऐसे बहुत लाउडली करती थी. तो वैसे नहीं करना है, एकदम सॉफ्टली एक्सेल इनहेल करना है, सॉफ्टली एक्सेल करना है. यानी अपनी यानी सांस लेने का और सांस छोड़ने का आवाज़ बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए. और जो ओम बोलते हैं वो भी मैं पहले बहुत ज़ोर से बोलती थी, यानी पूरी यानी ताकत लगा के. तो वैसे नहीं करना है, वो भी एकदम स्लोली करना है. तो वो जो तरीका उसने मुझे सिखाया है वो मुझे अच्छा लगा और वो मैं आपको दिखाती हूँ आज. तो उससे बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिटेशन होता है और आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है. तो मैं एक 10-12 बार करके दिखाती हूँ आपको वो तरीका कैसे है सेल्फ मेडिटेशन करने का. तो आप कौन सी भी उंगली ले सकते हैं. तो ये है करेक्ट तरीका. यानी आपने सुना होगा मेरे इनहेल और एक्सहेल में कोई भी सांस की आवाज़ नहीं आ रही थी, और जो मैं इनकरेक्टली कर रही थी तो उसमें कैसे कर रही थी वो दिखाती हूँ. तो ये टोटल गलत तरीका है. इस तरीके से कभी भी मेडिटेशन करना नहीं है. जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से मेडिटेशन करना है. या फिर ओम चैंटिंग भी हम करते हैं तो ओम चैंटिंग करने का भी एक तरीका है, वो भी एकदम सॉफ्टली स्लोली करना है. लोग ऐसे बड़े बड़े आवाज़ में ओम ओम ऐसे बोलते हैं, मैं भी वैसे ही करती थी पहले. वैसे नहीं करना है, एकदम स्लोली एंड सॉफ्टली करना है तो ही मेडिटेशन होगा, अदरवाइज़ मेडिटेशन नहीं होगा. वो जो रहता है वो एंग्जाइटी निकल जाती है आपकी, लेकिन मेडिटेशन के ऊपर आपका कुछ भी ध्यान नहीं रहता. तो इसलिए उसे करेक्ट करना है. तो करेक्ट वे है जो मैं दिखाती हूँ आपको.
सो दिस इज़ द करेक्ट वे एंड वॉट वॉज इनकरेक्ट वे जिसकी वजह से ये सब तकलीफें होती है, तो वो मैं दिखाती हूँ जो मैं पहले करती थी। तो मेडिटेशन के लिए इतना लाउडली करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन यानी सेल्फ फोकस करने के लिए रहता है, तो उसमें आपका आवाज़ बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। खुद का खुद एक्सरसाइज करो, बाकी के लोगों को समझना भी नहीं चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सो दैट्स द वे विच आई करेक्ट माई सेल्फ थ्रू द टीचर, और इसके लिए टीचर ही लगता है, आपको खुद का खुद करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थी एक स्टेप, दो स्टेप मैंने बताए जो मैंने करेक्ट किए हैं। और जो स्टमक का रोटेशन हम करते, तो ये पूरा पेट अंदर लेना है, यानी ऐसे ऐसे अंदर लेना है कि जो आपकी बेली है वो आपके पेट पीठ को एकदम टच हो रही है, ऐसे फील करना है और फिर करना जो बेली रोटेशन है वो। तो ये पहले मैं ऊपर ऊपर ऐसे हिलाती थी, लेकिन वो वैसे नहीं करना है, एकदम ऐसे एकदम अंदर लेना है, बेली को एकदम अंदर टच करना है पीठ की तरफ, ऐसे फील करके वो रोटेशन करना है। तो अगर मैं बाकी सब योगा नहीं कर सकती, लेकिन ये 3-4 एक्सरसाइज है वो तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ब्लड सर्कुलेशन आपका टोवर्ड्स योर हेड नहीं जाएगा, और एक 5 मिनट्स में रिलैक्स भी हो जाएंगे आप। सो ये अभी मैं करने वाली हूँ। तो ये मैंने करेक्शन किया है मेरे योगा के सेशन में, तो और इससे अच्छा फील भी होता है। तो इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप। बाय बाय।